जगदीशपुर प्रखंड के बरनाव पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के आखिरी दिन पूरी तरह से दमखम दिखाते नजर आए। यहां चुनावी दंगल में दो उम्मीदवार खड़े हैं। पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कई गांव में जनसंपर्क कर अपने चुनाव चिन्ह से संबंधित पर्चा मतदाताओं के बीच वितरण किया। उन्होंने अपने किए गए 5 साल में कार्यों को लेकर मतदाताओं से पुनः विजयी बनाने का आशीर्वाद लिया। राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत बरनाव विभिन्न गांव और टोला में जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कई मतदाताओं ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह ने अच्छे कार्य किए हैं। राकेश कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पहले भी अच्छे कार्य किए और अब फिर से किसानों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा किसान और मतदाता उनके पक्ष में हैं और सभी का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। राकेश कुमार ने ये भी कहा कि वे सरकार की योजनाओं कृषि यंत्रों को सभी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। R9 भारत के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। बरनाव पंचायत के जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम तो काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भूल चूक से कहीं गलती भी हुआ है तो उसको आगे सुधार किया जाएगा और काम में तेजी लाया जाएगा। व्यवस्था धीरे धीरे ही सुधरता है, लेकिन 20 बरिस के बिगड़ी हुई व्यवस्था को हमने 5 बरिस में बहुत जगह पर लेके आया है। 20 बरस में समिति घाटे में चल रही थी, जो आज ऑडिट के माध्यम से आप लोग पता कर लीजिएगा कि समिति जो है प्रॉफिट में है और आने वाले 5 वर्षों में जो मौका मिलेगा तो समिति को हम लाखों में पहुँचाने का काम करेंगे। समिति को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उनके साथ घूमने वाले में 75% न वोट देने वाले लोग हैं, 20 से 25% लोग वही हैं जो उनको वोट देंगे। बाकी भीड़ कोनो विधायक MLA अथी का थोड़े MP का चुनाव है, ये किसान का चुनाव है। लोग कहते हैं कि आरा में बहुत पैरवी है इनका, तो जाके वो MLA का चुनाव लड़े। यहाँ किसान के मूलभूत सुविधाओं पर न काम करना है जी। हाँ, समय से धान खरीदारी करना है, समय से खाद देना है, उचित मूल्य देना है। यहाँ तो पहले उन्हीं के क्रम में किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब खाते में पैसा गया, कब किसान का पैसा निकल गया। धान देने वाला को नहीं पता होता है, लेकिन ये हम 5 बरस में व्यवस्था किए कि जो पैसा कोऑपरेटिव में जाता था हमने अन्य बैंकों में पहुँचाने का काम किए हैं। किसान को ये पता चले कि हमने धान दिया तो कितना पैसा आया, समझ गए। ये व्यवस्था हमने अपने रीजन में किए, 20 बरस में कोई नहीं किया, ये आप पता लगा लीजिएगा। 27 तारीख को वोटिंग होने वाला है, आखिरी अपील क्या रहेगा? आखिरी अपील यही है बरनाव पंचायत की जनता से कि एक बार फिर पुनः दोबारा आएंगे और जो भी दिक्कत होगा इस 5 बरस में हमने सब पूरा करके ही जनता के बीच में दोबारा फिर आएंगे। राकेश कुमार सिंह, बरनाव पंचायत। विकास हुआ है, हर किसान खुश है। क्या चुनौती देखते हैं चुनाव में जो विपक्ष के? कुछ नहीं चुनौती है, चुनौती है ये नहीं, हम लोग लीड कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार भी, दूसरी बार भी विजय श्री की माला? विजय श्री की माला हो, कंफर्म है। क्या अपील कीजिएगा मतदाताओं? बहुत अच्छा। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम डब्लू सिंह है, हम झारखंड से आए हुए हैं चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए। नहीं, मेरा पूरा परिवार रहता है बाहर, मेरा बच्चा रहता है, बीवी रहती है, एकदम देना है। इनसे फायदा है किसानों का, हम लोग का धान भी खरीदते हैं समय पर, भुगतान भी समय पर होता है, अकाउंट में होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, गांव का विकास भी करते हैं, हर सुख दुख में सबके साथ रहते हैं, समय पर रहते हैं। जब जो है, जब अगर रात को जो होना है तो रात को जो है, सुबह जब, हर आर्थिक स्थिति भी किसी को मदद करते हैं गरीब का। और हम लोग का जो विपक्ष है यहाँ रहता नहीं है, चुनाव है, लोग आए हुए हैं, उसके बाद फिर चला जाएंगे, ताला बंद हो जाएगा, यहाँ पर टेंट कवर जाएगा। नाम डब्लू सिंह। हम लोग सेवक चुनते हैं कि जो जनता के बीच में रहे और सेवा करे जनता का। आई बबलू सिंह अच्छे आदमी है, जनता के बीच में रहते हैं, हर एक सुख दुख में साथ देते हैं। इनको हम लोग जीता कर दोबारा चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ, दोबारा चुनाव जीत चुके हैं। क्या विशेषता इनमें जो चुनाव आप लोग कर रहे हैं? विशेषता यही है कि जैसे पहले वाले पैक्स थे तो धान उन नहीं खरीदते थे, अभी धान खरीदते हैं। धान खरीदने के 24 घंटा के अंदर अकाउंट में सीधा पैसा आता है।
किसान खुश है एकदम एकदम, उसमें एकदम बहुत खुश है, उसमें कुछ कहना नहीं है। कार्य आपको पटना है बहुत? हाँ हाँ, हम बाहर में हम रहते हैं पटना में, पटना से हम आए हैं वोटिंग करने के लिए। मेरा भतीजा भी कलकत्ता में है, वो ट्रेन पकड़ चुका है, आ रहा है वोटिंग करने के लिए। अनिल कुमार सिंह, ग्राम बरनाव।